वहाँ जा रहे थे, जाते समय यहाँ पे एक ट्रक की वजह से ना जाम लग गया था, तो एक गाड़ी वाला उन्हें बार बार ओवरटेक मार रहा, आगे से निकलने की कोशिश कर रहा था लाइन से। दो तीन बार कोशिश करने के बाद उसकी गाड़ी पापा की गाड़ी से टच हो जाती है, तो वो उतरता है। तो ऐसे हमारे बुजुर्ग होते हैं, उन्होंने कुछ कहा होगा उनसे कि बेटे देख के गाड़ी चलाया करो वगैरह, ये सुनने के बाद बोलने के बाद पापा अपनी गाड़ी की तरफ आते हैं, वो अपनी गाड़ी की तरफ जाता है, उसमें से वो डंडा निकालता है एक, और डंडा निकालते नहीं पहला दो डंडे उनके सर पे, दो चार हाथ पे, कुछ कमर पे डंडे मारता है। ये वाकया होने के बाद एक दो चार लोगों ने उसे देखा, उसके बाद धक्का वक्का दिया, डंडा उन्हें छीना, जब तक पापा उससे बचते हुए आगे की तरफ भाग रहे थे, वो फिर गाड़ी स्टार्ट करता है पापा की तरफ टक्कर मारते हुए, गाड़ी लेके भाग गया। आपके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिसको देख करके हम बता सकते हैं कि ऐसी घटनाएं कुछ हुई हैं? जी मैम, मैंने कुछ जब ऐसा केस हुआ था कि आप यहाँ मौजूद? हाँ जी मैम, मैं मौका वारदात पे बिल्कुल मौजूद था यहाँ पे। तो उस लड़के ने डंडा निकाला था, अंकल जी के मारा था, और उसके बाद फिर अंकल जी गाड़ी के आगे आए थे उसको रोकने के लिए, तो उसने एकदम से गाड़ी में बैठ के अपना गाड़ी ले गया था। तो अंकल पहले खड़े हुए थे, उसके बाद साइड हुए तो अंकल गिर भी गए थे। फरीदाबाद में एक मामला हुआ था, मारपीट का मामला हुआ था, बुजुर्ग को 21 साल का लड़का मार के चला गया था। उस मामले में क्या कार्रवाई हुई है, क्या कुछ अभी तक अपडेट आई है? उस मामले में जो पीड़ित था राजेंद्र के बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया, और उसमें जो लड़का था अक्यूज लक्ष्य, उसको उस सेम डे गिरफ्तार कर लिया, अगले दिन कोर्ट में पेश कर दिया। सर सुनने में जो आ रहा है, जो जिनके फादर के साथ ये हुआ है, वो उन लोगों का कहना है कि उनके पर दबाव बनाया जा रहा है कॉम्प्रोमाइज़ का, कई लोग आ रहे हैं, कई पुलिस महकमे के लोग आ रहे हैं जो उन पर कॉम्प्रोमाइज़ का दबाव बना रहे हैं। अब उनकी मांग है कि सज़ा हो अक्यूज को, तो अब इस मामले में क्या, इस बात पे क्या कहना है? देखो, पुलिस का काम था, केस दर्ज कर दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, चालान अतिशीघ्र न्यायालय में दे देंगे। बाकी अब ये आरोप लगाए तो ये तो इससे तो हमारा कोई संबंध नहीं है कि भाई दबाव डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, ऐसी मेरे पास कोई शिकायत भी नहीं है। और कुछ अगर कुछ और लोग जो उनके घर आ रहे हैं, तो इनको अब उस मामले में क्या करना चाहिए, शिकायत देनी चाहिए? इस मामले में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, अगर ऐसी कोई है, कोई प्रेशर है तो कंप्लेंट दें, कार्रवाई होगी उनका। ठीक है। अच्छा, इनका कहना ये भी है कि जिस समय वारदात हुई थी उस समय इन्होंने बीट पे कॉल किया या कई जगह FIR लिखवाने गए, तो FIR नहीं लिखी जा रही थी, आनाकानी हो रही थी, जो इन्होंने बयान में कहा? बिल्कुल गलत है, जैसे ही हमें सूचना मिली तुरंत हम वहाँ हॉस्पिटल गए। CCTV फुटेज भी इन्होंने खुद निकलवाई है, कोई कह रहे थे कि मौके वारदात पे कोई भी IU जो है इनके साथ नहीं गया? नहीं, ये गलत है, हम तुरंत मौके पे गए थे, सेम डे उस लड़के को उसी टाइम राउंड अप कर लिया था, उसी टाइम जो ही इनकी सूचना मिली, हमें इन्फॉर्मेशन मिली, मुकदमा दर्ज कर दिया था।